नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप दोस्तों सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 बेस्ट क्रेडिट कार्ड ऑफ इंडिया बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, एक अच्छा क्रेडिट कार्ड होना बेहद जरूरी है। अगर आपने बिना रिसर्च के कोई क्रेडिट कार्ड ले लिया तो वो डेफिनेटली आपकी पॉकेट में होल करने वाला है, लेकिन मेरे रहते हुए आपकी पॉकेट में कभी भी होल नहीं होगा, बल्कि सेविंग्स ही होगी। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 क्रेडिट कार्ड जानेंगे। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको लॉन्च एक्सेस डेफिनेटली चाहिए होंगे, और इसके अलावा यहाँ पर फॉरेक्स मार्कअप फीस जीरो होनी चाहिए, प्लस बहुत सारे और बेनिफिट्स होने चाहिए। उन सभी क्रेडिट कार्ड्स को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप शॉपिंग करें, चाहे फ्यूल के लिए चाहिए, तो सारे क्रेडिट कार्ड्स आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर वीडियो एंड तक जरूर वॉच करें ताकि एक अच्छा क्रेडिट कार्ड आप ऑप्ट कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी क्रेडिट कार्ड्स को हम देख लेते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला क्रेडिट कार्ड आता है एयू बैंक का लिट क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड थोड़ा हटके है दूसरे सभी क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड आपको फंक्शनलिटी देता है। आप खुद इसमें सर्विसेज ऐड करके यहाँ पर रिमूव कर सकते हो आपकी नीड के अकॉर्डिंग। सर्विसेज इन द सेंस कि अगर आप ट्रेवलिंग करते हैं, ट्रेवलिंग के सारे फीचर्स चाहिए तो आप वो सर्विस ऑप्ट कर सकते हैं, आपको उसी का पेमेंट देना है। अगर आप शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग वाले फीचर्स इसमें ऐड हो जाएंगे, और शॉपिंग करने पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स हो गए या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप एंटरटेनमेंट में ज्यादा स्पेंड करते हैं तो वो वाला सर्विस आप इसमें एक्टिवेट करवा सकते हैं। और इन सर्विसेज की दोस्तों यहाँ पर फीस की बात करें तो 49 रुपीज से 499 के बीच में रखी गई है। और पर सर्विस की वैलिडिटी की बात करें तो यहाँ पर 90 डेज इन्होंने रखी, यानी कि 3 महीने ही वो वैलिड रहेगी। उसके बाद वापस से आपको रिन्यू करवाना पड़ता है उस सर्विस को, या मान लीजिए 3 महीने बाद आपको कोई दूसरी सर्विस एक्टिवेट करवानी है तो यहाँ पर डेफिनेटली आप उसका चार्ज देके एक्टिवेट करवा सकते हैं। और यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड की कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है। ज्वाइनिंग फीस इन द सेंस कि आपको सर्विस जो भी ऑफ करनी उतना ही यहाँ पर आपको अमाउंट देना है, और यहाँ पर इसका रिन्यूअल फीस वो भी जीरो है। अगर आप ये सर्विसेज नहीं भी लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होती है। यहाँ पर जो भी बेसिक फीचर्स या फिर बेसिक फंक्शंस आपको लिट क्रेडिट कार्ड के होते हैं वो सभी आपको एंजॉय करने के लिए मिलेंगे। दोस्तों दूसरा क्रेडिट कार्ड आया था यहाँ पर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड भी बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है, और शॉपिंग वाले पर्सन के लिए तो बहुत ही जबरदस्त है। इस क्रेडिट कार्ड की फीस की बात करें तो यानी कि आपको 500 रुपए देके इस क्रेडिट कार्ड को लेना होता है। यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, प्लस यहाँ पर वेलकम बेनिफिट्स भी बहुत ही अच्छे खासे मिल जाते हैं, तो उन्हें भी एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। वेलकम बेनिफिट्स में दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट का एक ई वाउचर देखने को मिल जाता है। जैसे ही फ्लिपकार्ट पे आप कोई भी फर्स्ट यहाँ पर परचेज करते हैं तो यहाँ पर इंस्टेंटली आपको ई वाउचर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर गाना प्लस जो एप्लीकेशन है उसके यहाँ पर 15 मंथ तक की फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबरशिप मिल जाती है। इस मेंबरशिप की फीस की बात करें तो 400 रुपए के आसपास इसकी वर्थ है। फाइव लाइफ जो ब्रांड है उस पर अगर आप शॉपिंग करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की तो यहाँ पर आपको 20% का ऑफ मिल जाता है, और अप टू 500 रुपीज तक का आप ऑफ ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर प्लम गुडनेस जो ब्रांड है उस पर भी आपको 20% तक का ऑफ मिल जाता है, और अप टू 500 रुपीज तक का आप ऑफ ले सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों मिंत्रा पे अगर आप शॉपिंग करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से तो यहाँ पर भी आपको 15% तक का कैशबैक मिलता है, अप टू 500 रुपीज तक का कैशबैक आप ले सकते हैं। तो वेलकम बेनिफिट्स तो जबरदस्त इस क्रेडिट कार्ड में हमें मिल जाते हैं। इस क्रेडिट कार्ड की कैशबैक की बात करें दोस्तों तो फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे आपको अप टू 5% तक का कैशबैक मिल जाता है। इसके अलावा आपको 4% का कैशबैक मिलेगा पीवीआर, स्विगी, उबर और क्योर फिट पे, और इसके अलावा अदर कैटेगरीज पे आपको 1.5% तक का कैशबैक मिल जाता है। दोस्तों लाउंज एक्सेस की बात करें इस क्रेडिट कार्ड में तो अप टू 4 लाउंज एक्सेस आपको देखने को मिल जाते हैं, वो भी डोमेस्टिक इंडिया के अंदर पूरे एक साल भर के अंदर। डाइनिंग डिस्काउंट्स की बात करें तो अप टू यहाँ पर दोस्तों आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की हेल्प से जितने भी इनके पार्टनर रेस्टोरेंट है उन पे आप डाइनिंग के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों तीसरा क्रेडिट कार्ड हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक्सिस बैंक का ACE क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड भी बहुत ही जबरदस्त है। इसके फीचर्स भी सुन के आप बहुत खुश हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड की अब से गूगल पे पे अगर आप ऐड करके यूटिलिटी बिल्स पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर अप टू 5% तक का आपको कैशबैक मिल जाता है। और इसमें दोस्तों और अच्छी खास बात, इसमें कोई भी आपको कैपिंग नहीं मिलेगी, यहाँ पर अनलिमिटेड आपको कैशबैक मिलेगा यूटिलिटी बिल पेमेंट्स विद द हेल्प ऑफ गूगल पे। और इसके साथ ही दोस्तों आपको 4% तक का कैशबैक मिलेगा ओला, जोमेटो और उबर जैसे प्लेटफॉर्म पे, और बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स पे 2% तक का कैशबैक। देखो
यार इतने अच्छे बेनिफिट्स आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, वो भी बहुत ही मिनिमम फीस के साथ, एज कम्पेयर टू अदर क्रेडिट कार्ड्स काफी अच्छे खासे बेनिफिट्स है, वो भी ₹500 की ज्वाइनिंग फीस के साथ। इस क्रेडिट कार्ड में भी हमें फूड लॉन्च एक्सेस देखने को मिल जाते हैं पूरे साल भर में, और प्लस इनके डाइनिंग डिलाइट्स की बात करें तो 20% का ऑफ मिल जाता है इनके जितने भी पार्टनर्स रेस्टोरेंट है इंडिया में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्रेडिट कार्ड की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेवलिंग वाले पर्सन बहुत खुश होने वाले हैं इस क्रेडिट कार्ड के से। तो इस क्रेडिट कार्ड का नाम है नियो ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रेवल क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड की सबसे अच्छी खास बात जो चाहिए होता है ट्रेवलिंग वाले पर्सन को है जीरो फॉरेक्स मार्कअप फीस, जो कि ये क्रेडिट कार्ड आपको देता है। दोस्तों अगर आप फॉरेन ट्रेवल करने जाए तो आपको मेजर इश्यू आने वाला है करेंसी कन्वर्जन का, तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड की वजह से वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे दोस्तों? इस क्रेडिट कार्ड में आपको लोड करना है INR अमाउंट, यानी कि इसमें आपको INR अमाउंट रखना है इस क्रेडिट कार्ड में, और जहां भी 150 प्लस कंट्रीज में कहीं भी आप स्पेंड करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक करेंसी कन्वर्जन का यहाँ पर फीचर मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको करेंसी कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं रहती है, आप इजीली जैसे चाहे वैसे चाहे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड के हेल्प से, वो भी 150 कंट्रीज में। नेक्स्ट फिफ्थ क्रेडिट कार्ड यहाँ पर निकल गया था IDFC वाओ क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड की कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, प्लस यहाँ पर विदाउट ज्वाइनिंग फीस के साथ आपको जीरो फॉरेक्स मार्कअप फीस ये क्रेडिट कार्ड देता है, यानी कि ट्रेवलिंग वाले पर्सन के लिए एक और अच्छा क्रेडिट कार्ड यहाँ पर निकल गया था IDFC वाओ क्रेडिट। और ये क्रेडिट कार्ड दोस्तों आपको बेहद आसानी से मिल सकता है, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड में कोई भी आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन, सैलरी प्रूफ या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इजीली ये यूजर्स को मिल जाता है। दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड बेसिक फीचर्स के साथ आपको मिलता है, और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ज्वाइनिंग फीस जीरो कह रहा हूँ, प्लस डॉक्यूमेंटेशन या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स या सैलरी आपको रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, ये क्रेडिट कार्ड आपको FDA बेसिस पे लेना होता है, यानी कि 10,000 की FD करवा के आपको इस क्रेडिट कार्ड को लेना होता है, और इजिली आपको ये मिल जाता है, और फॉरन ट्रांजेक्शन में आप इसे यूज कर सकते हैं, ट्रेवलिंग के टाइम डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक ही इसका मेजर बेनिफिट है, बाकी जो भी है बेसिक फीचर्स है। तो अगर आप FD के बेसिस पे कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, या फिर आपके पास अभी तक कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है और आपका सिबिल स्कोर या फिर आप सैलरीड पर्सन नहीं है, तो आपको सिंपली एक FD करवा के इस क्रेडिट कार्ड को लेना होता है, तो यहाँ पर जा सकते हैं FD के साथ। तो अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर सिक्स क्रेडिट कार्ड की तरफ, और ये क्रेडिट कार्ड दोस्तों लग्जरियस पर्सन के लिए, जो कि काफी अच्छा खासा यहाँ पर स्पेंड करते हैं और यहाँ पर केपेबल है ज्वाइनिंग फीस अच्छी खासी देने के लिए। इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो यहाँ पर 10,000 प्लस 18% GST देके इस क्रेडिट कार्ड को लेना होता है। अगर आपको लगता है बहुत ही ज्यादा इसकी फीस है, तो यहाँ पर फीचर्स को भी हम देख लेते हैं कि यार इतनी ज्यादा फीस ली जा रही है, उसके मुकाबले फीचर्स भी देता है कि नहीं देता। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड की जैसे ही आप फीस देके इसे लेते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, या तो आप एक कॉम्प्लीमेंट्री फ्लाइट ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आप टाटा क्लिक का एक गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं जिसकी वर्थ अप टू 10,000 रुपीज तक है। तो अगर फ्लाइट लेना चाहते हैं तो 10,000 रुपीज तक की आप डोमेस्टिक फ्लाइट ले सकते हैं, अगर आप कूपन लेना चाहते हैं तो टाटा क्लिक के कूपन आप ले सकते हैं वर्थ ₹10,000। तो यहाँ पर जो ज्वाइनिंग फीस है उसकी तो यहाँ पर वसूली हो जाती है। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में फॉरेक्स मार्कअप फीस की बात करें तो 2% ये क्रेडिट कार्ड चार्ज करता है। इसके अलावा कैश विड्रॉल की बात करें तो ये कैश विड्रॉल फीस यहाँ पर ये चार्ज नहीं करता, यानी कि ATM से आप पैसे निकालते हैं तो यहाँ पर जो चार्जेस लेते हैं दूसरे बैंक्स, वो यहाँ पर ये नहीं लेता, लेकिन उस पर इंटरेस्ट लेता है कि नहीं लेता यहाँ पर इसने स्पेसिफाई नहीं किया है। अब बात कर लेते हैं इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स कैसे मिलेंगे। दोस्तों अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ट्रेवलिंग के टाइम यूज करते हैं, यानी कि फ्लाइट बुकिंग के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स ये क्रेडिट कार्ड देता है। इसके अलावा कहीं भी आप ₹200 भी स्पेंड करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको 12x रिवॉर्ड पॉइंट्स ये क्रेडिट कार्ड देता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं, मंथली बेसिस पे ₹1,00,000 स्पेंड कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 25,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ये क्रेडिट कार्ड देता है, और उन सभी एज रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू की बात करें तो अप टू 5,000 की वैल्यू मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे अगर आप GoIBGO, मेक माई ट्रिप, यात्रा और इनके जैसे सिमिलर प्लेटफॉर्म्स को आप यूज करते हैं, तो 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको ये क्रेडिट कार्ड देता है। बाकी जो भी बेसिक फीचर्स है वो इस क्रेडिट कार्ड में आपको दिए जाते हैं, जो कि एक्स्ट्रा फीचर्स है वो आपको मैंने बता दिए, प्लस यहाँ पर दोस्तों जो फीस हमें बहुत ज्यादा लग रही थी वो यहाँ पर वापस से भरपाई हो रही है। यहाँ पर फ्लाइट टिकट, यानी कि डोमेस्टिक फ्लाइट टिकट और टाटा क्लिक के वाउचर्स हमें ₹10,000 तक के मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो फीस है वो यहाँ पर आप वसूल कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड भी बहुत ही प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, और यहाँ पर दोस्तों अगर आपको ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहिए जो कि आपको अनलिमिटेड
डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस दे या फिर अनलिमिटेड इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस दे, तो यहाँ पर ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट सुटेबल हो सकता है। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड की प्रीमियम फीस आपको देके इसे लेना होता है। इस क्रेडिट कार्ड का नाम है इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो प्रीवियस क्रेडिट कार्ड जो कि 10,000 और जीएसटी के साथ आपको मिल रहा था, उससे भी ज्यादा यहाँ पर पे करनी होगी, यानी कि 12,500 प्लस टैक्सेस देके इस क्रेडिट कार्ड को लेना होगा। अब आप सोच रहे हैं 12,500 रुपये देके आप इस क्रेडिट कार्ड को ले रहे, ऐसे क्या बेनिफिट्स है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको अनलिमिटेड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस ये क्रेडिट कार्ड देता है। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल रहने वाला है। बाकी फीचर्स हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं, एक्टिवेट करवाते हैं, तो यहाँ पर एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स क्रेडिट कार्ड देता है। और एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 1 रुपीज कंसिडर की जाती है, यानी कि जितनी आपने फीस दी है उतने के यहाँ पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। और इन्हीं रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं फ्लाइट बुकिंग या फिर होटल बुकिंग्स में। यहाँ पर जो भी जॉइनिंग फीस है वो पूरी यहाँ पर वसूल आपकी हो जाती है। तो यहाँ पर टेंशन फ्री होके इस क्रेडिट कार्ड को आप ले सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं तो। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में आपको क्लब मेरियट के यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबरशिप मिल जाती है। और इसके साथ ही अगर पूरे साल भर में दोस्तों आप 10 लाख रुपए स्पेंड करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की से, तो यहाँ पर जो रिन्यूअल फीस है वो टोटली वेव ऑफ हो जाती है। लेकिन उस टाइम दोस्तों आपको 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप रिन्यू करवाते हैं 12,500 देके, तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और यहाँ पर उसका सेम प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रेवलिंग या फिर होटल बुकिंग में यूज करके आप उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप रिटेल के तौर पे यहाँ पर स्पेंड करते हैं 150 रुपए भी, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अगर यहाँ पर स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म की हेल्प से आप यूटिलाइज करते, अगर आप स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म को यूज करके यहाँ पर आप सर्विसेज को यूज करते हैं, इन दैट केस दोस्तों आपको यहाँ पर स्मार्ट बाय की हेल्प से 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड में मिल जाते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में आपको अनलिमिटेड गोल्ड बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। प्लस फॉरेक्स मार्कअप फीस की बात करें 2% ये क्रेडिट कार्ड चार्ज करता है। वैसे फीस को देखा जाए तो यहाँ पर 0% फॉरेक्स मार्कअप फीस होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर मिनिमम इन्होंने रखी है तो ये भी कंसिडरेबल है। प्लस ITC होटल्स में दोस्तों यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्स प्लस वीकेंड पे फ्री ऑफ कॉस्ट बुफे मिल जाता है। नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड रहता है यहाँ पर कैशबैक वाले पर्सन के लिए। अगर आप शॉपिंग पे आपको कैशबैक चाहिए, आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं, कैशबैक आपको मस्ट रिक्वायर्ड है, तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इस क्रेडिट कार्ड का नाम है SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो ओनली 1000 प्लस GST देके आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। और वेलकम बेनिफिट के तौर पे आपको काफी अच्छे खासे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में भी यहाँ पर आप फ्लिपकार्ट पे फर्स्ट टाइम कुछ भी आप परचेज करेंगे, यहाँ पर आपको 500 रुपीज तक का एक ई गिफ्ट वाउचर मिलेगा। प्लस इसके साथ ही गाना प्लस जो प्लेटफॉर्म है उसका यहाँ पर 15 मंथ तक का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जिसकी वर्थ यहाँ पर पहले भी मैंने बताई थी 400 रुपीज तक रहती है। और इसके साथ ही यहाँ पर फाइव लाइफ और प्लम गुडनेस पे आपको 15% तक का डिस्काउंट मिल जाता है, और अप टू 500 रुपीज तक का मैक्सिमम आप डिस्काउंट इन दोनों प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों मिंत्रा पे भी आपको 15% तक का डिस्काउंट मिलता है, उस पर भी आप 500 रुपए तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो वेलकम बेनिफिट तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में हमें भर भर के मिल जाते हैं, जो की आपकी जो ज्वाइनिंग फीस है वो आराम से वसूल हो जाती है। कैशबैक की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड में भी अप टू 5% तक का आपको कैशबैक मिल जाता है फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं। अगर यहाँ पर आप यूज करते हैं PVR, स्विगी, उबर एंड क्योरफिट पे, तो अप टू 4% तक का कैशबैक ये क्रेडिट कार्ड देता है। और इसके अलावा जितने भी अदर ब्रांड्स हैं उन पे आप शॉपिंग करते हैं तो 1.5% तक का कैशबैक मिलता है। और इस क्रेडिट कार्ड में भी आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस देखने को मिल जाते हैं, वो भी डोमेस्टिक पूरे साल भर में। दोस्तों 9th क्रेडिट कार्ड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लग्जरियस पर्सन के लिए यहाँ पर निकल के आता है। अगर आप इसे चेकआउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड की फीस 250,000 प्लस टैक्सेस देके आपको लेनी होती है, और आप ये फीस देख के चौक जरूर जाएंगे क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड की बहुत ही ज्यादा फीस है। इस क्रेडिट कार्ड का नाम है एक्सिस बैंक रिजर्व क्रेडिट कार्ड। इसके यहाँ पर फीचर्स देख लेते हैं कि भैया इतनी फीस ज्यादा क्यों रखी है इन्होंने, और यहाँ पर कौन पर्सन इसे लेता होगा, और यहाँ पर किन फीचर्स के लिए इसकी इतनी ज्यादा फीस रखी गई है। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड की फीस इसलिए ज्यादा है क्योंकि जितने भी प्रीमियम होटल्स है या फिर गोल्ड बेनिफिट्स है उन सब में यहाँ पर बहुत ही अच्छे खासे बेनिफिट मिल जाते हैं। यानी कि आपको अकॉर प्लस मेंबरशिप मिल जाती है, प्लस क्लब मेरिट एशिया पैसिफिक की आपको मेंबरशिप मिल जाती है, ओबराय होटल्स में आपको अच्छे खासे बेनिफिट्स देता है, प्लस यहाँ पर गोल्ड राउंड्स आपको अनलिमिटेड मिल जाते हैं,
पोस्ट कार्ड होटल्स में आपको एक्सेस मिल जाता है, प्लस हेल्थ एंड वेलनेस भी बहुत ही अच्छे खासे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अगर दोस्तों आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए जाना चाहते हैं या फिर और इसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आपको इसका स्पेसिफिक मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही कम पर्सन होंगे जो कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए जाना चाहेंगे। तो लास्ट एंड द फाइनल क्रेडिट कार्ड यहाँ पर निकल गया था BOB इजी रुपए क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डेली लाइफ के लिए कोई अच्छा क्रेडिट कार्ड सर्च कर रहे हैं तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड की वजह से आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे शॉपिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। यानी कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्लस मूवीज पे अगर आप 100 रुपीज भी स्पेंड करते हैं तो 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स ये क्रेडिट कार्ड आपको देता है। इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस की बात करिए तो 500 रुपए देके आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। ये भी वेव ऑफ हो सकती है अगर स्टार्टिंग के यहाँ पर आप 60 डेज में 6,000 रुपीज तक स्पेंड करते हैं तो ये ज्वाइनिंग फीस यहाँ पर वेव ऑफ हो जाएगी। अगर आप ये स्पेंड नहीं कर पाते तो पूरे साल भर में अगर आप 35,000 स्पेंड करते हैं तो ये टोटली वेव ऑफ हो जाएगी। और बाकी जो भी है यहाँ पर बेसिक यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, ज्यादा बेनिफिट्स तो नहीं है, लेकिन अगर आप डेली लाइफ के लिए यूज करना चाहते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड काफी बेहतर है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं यार कमेंट करके, क्योंकि काफी रिसर्च करके पूरी वीडियो मैंने बनाई है और यहाँ पर बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स को यहाँ पर एनालाइज करके ये टॉप 10 क्रेडिट कार्ड्स आप सबके लिए लेकर आए। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे जरूर लाइक करिएगा, कोई क्वेरी हो तो क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।